तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। उसमें भी लीगल प्रोसीजर में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंक्वेस्ट और एविडेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंक्वेस्ट से, है ना। इंक्वेस्ट से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंक्वेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इंक्वेस्ट इज़ एन लीगल इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननेचुरल डेथ। तो कोई भी अननेचुरल डेथ की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसे अपन बोलते हैं इंक्वेस्ट। तो अननेचुरल डेथ कोई भी रीजन हो सकती है, सडन डेथ हो गई है, सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर डाउरी डेथ। इन सब केस में ये अननेचुरल डेथ हो और इसकी जो इंक्वायरी होती है या फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगा इसको इंक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। तो तीन तीन पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड किया, सबसे पहले पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो ये जो दो टाइप हैं ये इंडिया में मोस्ट फेमस है, यही इंडिया में करते जाते हैं। और अदर इंक्वेस्ट में आते हैं कोरोनर्स इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट, ठीक है। तो चार इंक्वेस्ट हो गए, पुलिस, मजिस्ट्रेट, कोरोनर्स और मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। तो एक एक करके अपन को धीरे धीरे उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुलिस इंक्वेस्ट से। तो ये पुलिस इंक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसीजर है, तो ये सीआरपीसी के अंदर आएगा। तो सेक्शन 174 सीआरपीसी के अंदर पुलिस इंक्वेस्ट आता है, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक देख लेना, आईपीसी क्या होता है, आईपीए क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, ठीक है। जो पुलिस इंक्वेस्ट है इट इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया। इंडिया में करे जाने वाला सबसे कॉमन इंक्वेस्ट है, ठीक है। इट इज़ हेल्ड बाय पुलिस ऑफिसर, और जो भी पुलिस ऑफिसर इसको करता है उसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ, ठीक है। और जो ये आईओ है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो ये जो इसकी रैंकिंग है सब इंस्पेक्टर से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब सबसे बिलो रैंक का सब इंस्पेक्टर ही है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आएगी इन्फॉर्मेशन कि ये फलाना ढिमकाना जगह पे यहाँ पर अननेचुरल डेथ हुई, यहाँ पर डेड बॉडी मिली हुई है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्म करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो इन्फॉर्म करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है। फिर वो जाएगा प्रोसीड टू द प्लेस वेयर डेड बॉडी फाउंड, जहाँ भी डेड बॉडी है वहाँ पर जाएगा ये, ठीक है। तो जहाँ पर डेड बॉडी मिली वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसको बोलते हैं पंचनामा, ठीक है, पंचनामा। इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस, कम से कम दो विटनेस होने चाहिए, उसको बोलते हैं पंचास। जो दो विटनेस है उनको पंचास बोलेंगे, और जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा उसको बोलेंगे पंचनामा, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुंड, नेचर ऑफ वेपन, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ। तो ये सब मेंशन होना चाहिए उस रिपोर्ट में। फिर ये रिपोर्ट वो जो है प्रिपेयर करने के बाद वो साइन करा जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और जो विटनेस है जिनने बताया, जैसे कि 2 अक्टूबर को कहाँ गए थे, कहाँ पाव भाजी खाई थी, कहाँ मूवी देखी थी, वो सब बताया उनने पूरा, है ना। फिर उसके बाद वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है ना, ये दृश्यम वाली मूवी अपन ने देखा था, ठीक है। तो वही के पुलिस ऑफिसर जो है उसने इन्वेस्टिगेट किया, पंचनामा किया जाएगा। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसको पुलिस ऑफिसर और विटनेस उसको साइन करेंगे, और वो जो रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये था पुलिस इंक्वेस्ट में, ठीक है। फिर अब अगर देखो, अगर इफ़ फोल प्ले इज सस्पेक्टेड, मतलब कि अननेचुरल डेथ है और लग रहा है सस्पेक्टेड कि कुछ ना कुछ रीज़न है जिस कि अननेचुरल डेथ है, ये नेचुरल नहीं है, तो बॉडी सेंड टू द ऑटोप्सी टू ऑथराइज गवर्नमेंट डॉक्टर। तो अगर लग रहा है कि अननेचुरल डेथ है, इसमें किसी ना किसी का हाथ है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, तो अपन इसको भेज देंगे अपन ऑटोप्सी के लिए ऑथराइज गवर्नमेंट डॉक्टर के पास, ठीक है। अगर फॉल प्ले नहीं है, नेचुरल डेथ दिख रही है एकदम के कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचुरल डेथ है ना ऐसे, तो अपन जो डेड बॉडी है वो अपन हैंडेड ओवर कर देंगे इसको रिलेटिव्स को, ठीक है। तो ये था पूरा पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। तो ये पूरा लिख देना। अब उसके बाद नेक्स्ट आता मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, अब मजिस्ट्रेट क्या होता है, दो टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कलेक्टर हो गए, तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गए, ये सब, है ना। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जो कोर्ट में जज होते हैं ना, उनको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है वो कौन कंडक्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये कलेक्टर ये सब, है ना। तो ये कौन से उसमें आता है, सीआरपीसी 175 सीआरपीसी, 174 में आता है पुलिस इंक्वेस्ट और 175 में आता है अपना क्या, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। फिर अब देखो, तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट 175 नहीं, 176 सीआरपीसी के अंडर आता है, ठीक है। अब जो ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है ये कोई स्पेशल कंडीशन में ही ये मजिस्ट्रेट जो है इंक्वेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि डाउरी डेथ हो गई, डेथ इन पुलिस कस्टडी, किसी की कस्टडी, पुलिस कस्टडी, डॉक्टर की कस्टडी, किसी की कस्टडी में भी डेथ होगी तो ये जो केस है वो किसके पास जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो गई इसमें, ठीक है। डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, पुलिस फायरिंग के से डेथ हो गई, डेथ ड्यू टू डेथ इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल या मेंटल असाइलम, इसमें एग्जुमेशन मतलब कि अपन ने खुदाई करी और वहाँ से डेड बॉडी निकल रही है, तो वो क्या है कि ये मजिस्ट्रेट पे जाएगा, तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो ये हैं कंडीशन किस केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, डाउरी डेथ,
ठीक है, दहेज वाला, डेथ इन पुलिस कस्टडी, डेथ इन पुलिस फायरिंग, डेथ इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, मेंटल असाइलम, एग्जुमेशन, इन सब केसेस में क्या होगा, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। सर अपने आखिरी के दो बजते कोरोनर इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। तो कोरोनर इंक्वेस्ट क्या है, नॉट डन इन इंडिया बट इज़ डन इन UK एंड सम अदर कंट्री, अपने इंडिया में नहीं किया जाता है। कोरोनर क्या है कि एक पर्सन को हायर किया जाता है जो कि क्वालिफाइड हो मेडिसिन या लॉ में, जिसका मतलब क्वालिफिकेशन हो, फिर वही कंडक्ट करेगा पूरा इंक्वेस्ट। उसके पास पूरी पावर होगी कि वो किसी को भी समन करा सकता है, समन मतलब कि कोर्ट में बुला सकता है। ठीक है, इंक्वायरी करेगा, वही फैसला सुनाएगा और वही मतलब सब कुछ करेगा। ठीक है, तो द इंक्वेस्ट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में इंक्वेस्ट किया जाता था। ठीक है, तो अब नहीं किया जाता। कोरोनर्स मतलब राजा टाइप का, राजा राजा महाराजा के टाइम पर किया जाता था ना, अभी भी किया जाता कहीं कहीं पर, कोरोनर्स मतलब द क्राउन और उससे। ठीक है, फिर मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इंक्वेस्ट आता है। ठीक है, इट इज़ डन इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ USA, USA में किया जाता है ये। तो ये बेस्ट सिस्टम माना जाता है, क्यों, मेडिकल एग्जामिनर इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोरोनर। कोरोनर वही बंदा था जो कि पूरा काम कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पूरा इकट्ठा कर रहा था ना, तो इसमें ये जो है कोरोनर है वो मेडिकल एग्जामिनर है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अ डेथ, जैसे ही डेथ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेडिकल एग्जामिनर विजिट द सीन ऑफ क्राइम एंड कंडक्ट इन्क्वेस्ट। तो यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनर है वो खुद जाएगा सीन ऑफ क्राइम में और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, ही इज़ एबल टू गैदर फर्स्ट हैंड एविडेंस एंड सेल्फ कंडक्ट द ऑटोप्सी ऑन बॉडी। तो सबसे पहले जो बॉडी होगी इसके आसपास के जो भी एविडेंस रहेंगे वो खुद कलेक्ट करेगा, है ना, उसको फॉरेंसिक, जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन, जैसे पुलिस है और फॉरेंसिक मेडिसिन का कोई एक्सपर्ट है, तो फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हो सकती है, कैसे क्या करना है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज है, तो इसलिए उसको ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वो अपने एविडेंस इकट्ठे करेगा, फिर वही बॉडी पर ऑटोप्सी करेगा, तो जैसे ज़्यादा अच्छे से एनालाइज होगा, ज़्यादा अच्छे से उसको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा, ज़्यादा अच्छे से इंसाफ मिलेगा, जैसे डेथ अननेचुरल कैसे हो रही है। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी से पता चल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, दिस इज सेड टू बी द मोस्ट सुपीरियर टाइप ऑफ इन्क्वेस्ट, इसलिए इसको मोस्ट सुपीरियर टाइप ऑफ इन्क्वेस्ट बोला जाता है, क्योंकि इसमें मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो रही है इन्क्वेस्ट, मतलब कि कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये था इन्क्वेस्ट के बारे में, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है और इसमें MCQ भी पूछा जा सकता है कि कौन से CRPC 174 CRPC 176 CRPC ये सब। ठीक है, और अलग से भी शॉर्ट में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट पूछ लेगा, पुलिस इंक्वेस्ट पूछ लेगा, ऐसे भी है ना, लॉन्ग भी पूछ सकता है, तो ये कर लेना। थैंक यू।